जय चक्रधारी फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में आज जो हम एपिसोड लेके आए हैं यह कई लोगों की मांग थी जो हमसे जुड़े हैं उनमें से कितने ही लोगों से प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चा किसी न किसी विषय पे जुड़ी बातें होते ही रहती हैं उन्होंने कहा कि जब इतने रत्नों पर एपिसोड बना दिया तो क्यों ना रत्नों के राजा पर एपिसोड बनाते हो तो आज यही विषय हम लेकर आए हैं रत्नों का राजा जिसका नाम है माणक माणक रत्न इसको संस्कृत में कुरुविंद भी कहा जाता है अब आप देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा का है कुरुविंद उसी से पूरी दुनिया में एक और शब्द का निर्माण किया गया जिसका नाम है कोरंडम जो कोरंडम एक पूरी प्रजाति है एक पत्थर की पूरी प्रजाति है उस उसी प्रजाति में से नीलम भी निकलता है उसी प्रजाति में से पुखराज भी निकलता है और उसी प्रजाति में से माणक भी निकलता है किंतु वास्तविक नाम जब प्रथम बार संस्कृत का आया तो रत्न माणक को कुरुविंद नाम से जाना गया आज वही शब्द लैटिन में अंग्रेजी भाषा में कोरण्डम हो गया और इसके विभक्तिकरण इस प्रकार से हो गए कि कोरण्डम प्रजाति में निम्न तीन प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया जो चर्चित हैं इसमें और भी रंग निकले हैं जैसे हरा पत्थर निकला है जैसे गुलाबी पत्थर निकला है तो इनको सफ़ायर के नाम से जाना जाने लगा इस प्रकार से अब यहाँ पे मूल बात यह है जो गौरव करने वाली बात वो यह है हमारे हृदय को आनंद देने वाली बात यह है कि यह सारी खोज जो वर्तमान का विज्ञान कर रहा है यह सारी खोज हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले कर गए तो क्या आपको गौरव नहीं होता क्या आपको आनंद अनुभूति नहीं होती क्या आपका सीना वाकई में चौड़ा नहीं होता कि मैं एक ऐसी सभ्यता में जन्मा हूँ जहाँ पर इतने महान ऋषि रहे हैं इतनी महान वैज्ञानिकता रही है कि जिसकी खोज आज का विज्ञान आज का साइंस कर रहा है वो हमारे अपने मुनि पहले ही कर गए यह कितनी आनंद की बात है कितनी गौरव की बात है और यह भारत भूमि इस भूमि पे जब हमने जन्म लिया तो अपने आप में ही यह सुख की सुखदाई हुई बहुत सुख आनंद को देने वाली हुई क्यों क्योंकि हमने ऐसी सभ्यता में जन्म लिया है जो बहुत एडवांस बहुत आगे रह चुकी है और उसके सिद्धांत आज भी काम कर रहे हैं तो खैर हमारा जो विषय है आज का वो है रत्नों का राजा माणक थोड़ा सा आपको इस रत्न का परिचय मैं देना चाहूँगा कि आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी राजे महाराजे हुए हैं उन्होंने जो कोई आभूषण अपने शरीर पर धारण किया जो कुछ उन्होंने अपने शरीर पर पहना उसमें रत्न माणक अवश्यम भावी रूप से प्रयोग किया जाता रहा है यह बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ बिना माणक रत्न के किसी भी राजे महाराजे का कोई आभूषण का निर्माण आज तक नहीं हुआ है यह वह रत्न है कहा जाता है ये कहावत माणक के लिए ही कही गई है के माणक की दलाली में हीरे प्राप्त हो जाते हैं इसका अर्थ आप सीधा सीधा यूँ समझिए कि जिस पारदर्शिता का जिस खूबसूरती का हीरा होता है यदि वो बहुत मोल वाला है ठीक वैसा ही यदि पारदर्शी उसी आकार का उसी साइज़ का यदि माणक हो जाए तो ऐसा माणक उन हीरों की लाइन लगा दे यानी कि दलाली में ही प्राप्त हो जाए यह इस 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 श्रेणी का यह रत्न है इतना ऊंचा यह रत्न है इतना ताकतवर यह रत्न है अब बात आती है कि माणक किस प्रकार से काम करता है ऐसा आखिर क्या है इसमें जो धारण करते ही व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभूति होती है धारण करते ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव शुरू होना आरंभ हो जाते हैं जैसा कि पहले के एपिसोड्स में भी मैं आपको बताता आया हूँ कि जितने भी रत्न इस धरती माता ने बनाए हैं वो दो सिद्धांत पे काम करते हैं पहला सिद्धांत रश्मि सिद्धांत जैसे हमने कोई नगीना धारण किया और सूर्य की किरण उसमें से आई और वो जो रोशनी उसमें से पार होकर के हमारी चमड़ी पे लगती है वो रश्मि सिद्धांत कहलाता है कुछ रत्न रश्मि सिद्धांत पे काम करते हैं कुछ रत्न संगत सिद्धांत पे काम करते हैं अब यहीं पर जो संगत सिद्धांत है वो पूरा पूरा जुड़ा है धातु शास्त्र पर मेटलर्जी पर इसकी चर्चा भी लगभग हम हर एपिसोड में करते आए हैं तो माणक भी एक ऐसा ही रत्न है जिसके भीतर भी धातुएँ मिली हुई हैं उन धातुओं के कारण ही इसका जो रंग है वह लाल होता है उन धातुओं के कारण ही इस रत्न के अंदर बहुत काठिन्य यानी कि बहुत मजबूती आती है बहुत कठोर हो जाता है पूरी दुनिया में सबसे जो ठोस रत्न माना जाता है वह हीरा माना जाता है डायमंड ठीक उसी प्रकार हीरे के पश्चात यदि किसी रत्न का नंबर आता है मजबूती में कठोरता में काठिन्य में तो माणक कहा जाता है तो यह वही माणक पे आज हम आपसे पूरी की पूरी चर्चा कर रहे हैं आप यह देखिए महाअष्टधातुओं में सोना चांदी तांबा रांगा लोहा जस्ता सीसा और पारदीय महाअष्ट धातुएं आती हैं इन्हीं महाअष्ट धातुओं के मिश्रण से नई नई धातुएं बनती हैं जैसे क्रोमियम हुआ जैसे टंगस्टन हुआ या और भी जो अन्य प्लेटिनम हुआ पैलेडियम हुआ इस प्रकार की जो अन्यत्र धातुएं हैं इन्हीं महाअष्ट धातुओं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं अब इन्हीं महाअष्ट धातुओं में से मिल करके एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है क्रोमियम क्रोमियम भी एक बहुत मजबूत धातु है उस क्रोमियम के कारण ही माणक रत्न में लाल रंग की उत्पत्ति होती है अभी आपको बताया कि कोरंडम प्रजाति के जो पत्थर हैं उसमें यदि क्रोमियम नाम का तत्व है तो उससे माणक बनेगा रूबी बनेगा जिसका रंग लाल होता है नीलम वाले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि जिस कोरन्डम प्रजाति के पत्थर में लोहा आ जाए तो उसका पुखराज बनता है जिस कोरंडम प्रजाति के पत्थर में टाइटेनियम आ जाता है उसका नीलम बनता है और जिस कोरम प्रजाति के पत्थर में क्रोमियम नाम का तत्व उत्पन्न होता है उसका माणक बनता है अब क्रोमियम से लाल रंग तो हुआ किंतु इसमें अधिकांश तत्व जो है वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है तो इस प्रकार से इसकी संरचना है अब आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से माणक कौन कौन से देश से आते हैं किस प्रकार के वो दिखते हैं पत्थर स्वरूप में धरती से निकलते हैं और कैसे उनका रत्न बना दिया जाता है आइए आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं कि ये क्या है आप देखेंगे कि जिस प्रकार से धरती माता से माणक जिस स्वरूप में निकलता है वही हम आपको दिखाते हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों से माणक रत्न निकलता है जिसमें अफ्रीका है भारत है श्रीलंका है बर्मा है रशिया है अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया है इस प्रकार से भांति भांति के देशों से भांति भांति के मानक प्राप्त होते हैं अब फिर एक और आपको आनंद की बात बताता हूँ कि जो क्षेत्र है कश्मीर कश्मीर का मानक भी बहुत लाजवाब होता है जैसे कि नीलम भी कश्मीर का बहुत लाजवाब होता है ठीक उसी प्रकार कश्मीर का मानक भी बहुत ही लाजवाब होता है और फिर एक गौरव की बात आती है कि यह भारत भूमि इस भारत भूमि के हृदय भाग में आप देखिए क्या क्या समाहित है हम यदि बात करें अखंडित भारत की तो श्रीलंका भी हमारा ही क्षेत्र था बर्मा भी हमारा ही क्षेत्र था म्यांमार पाकिस्तान भी हमारा ही क्षेत्र था अफगान भी हमारा ही क्षेत्र था आज यह खंडित है तो भारत में कितनी ताकत थी इसी से आप पुनः आनंद की अनुभूति कर पाएंगे कि हमने जिस सभ्यता में जन्म लिया है वह बहुत कमाल की है बहुत लाजवाब है कुछ देशों के मानक हमने मंगाने का प्रयास किया है और मंगा करके हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ होती है यह प्रथम मानक आपको मैं दिखाता हूँ यह चट्टान स्वरूप का मानक है आप देखेंगे जब इस मानक को हम रोशनी पर रखते हैं तो इसमें गुलाबी रंग की छटाएँ बाहर आती हैं यह आप देखिए गुलाबी और लालिमा लिए हुए ये छटाएँ आपको दिख रही होंगी इसके अंदर इस प्रकार से ये छटाएँ बाहर आती हैं पारदर्शिता दिखाई देती है तो इस प्रकार से यह रत्न माणक की चट्टान है जैसा धरती ने बनाई ठीक वैसी ये गुलाबी रंग लिए हुए है ठीक इसी प्रकार हम यदि ये थोड़ा गहरा लाल रंग पे आएं तो ये देखेंगे आप थोड़ा ये गहरा लाल रंग है यह माणक की चट्टान है इसी से रत्न सारे बनाए जाते हैं तो इस प्रकार से यह चट्टान हुई यह चट्टान हुई और एक प्रीमियम सोर्स आपको दिखा देते हैं जो कि बहुत प्रीमियम मानक माना जाता है पूरे संसार में इस कोटि का मानक कहीं पर भी नहीं निकलता है यह है ओल्ड बर्मा का मानक वर्तमान में इसकी दो माइंस चल पड़ी हैं ओल्ड बर्मा का और न्यू बर्मा का न्यू बर्मा का तात्पर्य होता है जिस मानक को ट्रीटमेंट करके तैयार किया गया हो उसको न्यू बर्मा का मानक कहते हैं और ये ओल्ड बर्मा के मानक हैं जिस प्रकार से धरती से निकलते हैं ठीक वैसे ही तो ये ये देखेगा आप कितना सुंदर इसका रंग आता है इसी में से पिजन ब्लड यानी कि कबूतरी खून का माणक एक संज्ञा दी गई है उस संज्ञा के कारण ही उसका नाम पड़ा पिजन ब्लड पिजन ब्लड रूबी तो इसी माइंस में से वो निकलते हैं ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसी माइंस के यानी कि ओल्ड बर्मा माणक के ये रत्न निकलते हैं इसकी विशेष बात यह होती है ओल्ड बर्मा माणक में कि इसमें बहुत सारी सुइयाँ चलती है आप देखेंगे तो इसके जो अंदर का भीतरी स्ट्रक्चर है वो सुई के समान इधर उधर जाता हुआ दिखाई देता है आपको वो भी दिखाते हैं इसी माइंस के हमने कुछ रत्न भी मंगाए हैं ओल्ड बर्मा माणक के तो आप ये देखेंगे जब इसको नजदीक से देखते हैं तो बहुत सारी सुइयाँ चलती हुई इसमें दिखाई देती हैं आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये जो सुइयाँ हैं यही ओल्ड बर्मा माणक के होने की पहचान है बस आपको ध्यान ये रखना है कि माणक यदि आप धारण करते हैं तो वह बिना ट्रीटमेंट का हो उस पर कोई हीट एलिमेंट ना चिख पाया गया हो उस पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट ना किया गया हो तो ही वो काम करता है अन्यथा माणक काम नहीं करता यानी कि जैसा धरती से निकला ठीक वैसा ही माणक आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है केवल और केवल उसको आकार दिया गया हो जिससे कि आप उसको अपने हाथ में अंगूठी के रूप में धारण कर सकें या अपने गले में पेंडेंट के रूप में धारण कर सकें यदि किसी भी प्रकार से केमिकल रूप से उसका ट्रीटमेंट किया गया तो वो अपना काम करना बंद कर देता है आइए अब आपको दिखाते हैं एक और माणक यह भी रत्न है और इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है इसमें भी आप देखेंगे हालांकि ये बर्मा जितना खूबसूरत नहीं है क्योंकि बर्मा के माणक बहुत महंगे आते हैं किंतु इस प्रकार के माणक का भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं कारण क्योंकि पूरी तरह से प्राकृतिक है तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ अनुभूति तो देंगे ही तो इस प्रकार से यह माणक अफ्रीका का माणक है और यह आपको कारगर हो सकता है बशर्ते यह प्राकृतिक हो जिस प्रकार से धरती ने बनाया ठीक वैसा मनुष्य ने कोई छेड़कानी ना की हो माणक रत्न की एक और प्रजाति है जिसको बोलते हैं पिंक सफायर अब इसमें क्या है कि जो माणक लालिमा लिए हुए हो उसको तो रूबी कहा जाता है जैम रूबी और जो थोड़ा गुलाबी शेड में चला जाए गुलाबी रंग की ओर चला जाए उसको पिंक सफायर कह दिया जाता है हालांकि है वह भी माणक ही तो इस प्रकार से अधिकांश जो श्रीलंका के माणक हैं वह पिंक सफायर के स्वरूप में निकलते हैं यानी कि गुलाबी पुखराज इसको हम कहें आसान भाषा में तो गुलाबी पुखराज भी कह दिया जाता है और इसको अंग्रेजी भाषा में पिंक सफ़ायर का नाम दिया गया है हालांकि है ये माणक श्रेणी का पत्थर ही अब आपको लगता है ये सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात माणक आपको असली पहनना है धारण करना है तो आप आपके क्षेत्र से भी ले सकते हैं यदि वहाँ पर आपको कोई नहीं मिलता है या आपको विश्वास नहीं हो पाता है तो आप हमारे से भी यह रत्न मंगा सकते हैं बस आपको ध्यान एक ही बात का रखना है कि माणक रत्न आप जब भी महंगा माणक रत्न यदि मंगाते हैं तो सरकारी लेबोरेटरी से आप उसको परीक्षण करवाना ना भूलें और यदि प्राइवेट लेबोरेटरी से आप परीक्षण करवाते हैं तो किसी नामी अच्छी लेबोरेटरी से ही परीक्षण करवा करके उस रत्न को आप प्राप्त करें इस प्रकार से आपको सारी सूचना मानक रत्न के विषय में दे दी गई है अब प्रश्न आता है कि मानक रत्न आखिर धारण क्यों किया जाए क्यों पहने हम मानक क्या होता है इससे तो पहली चीज यह है कि मानक रत्न का जो सौंदर्य है वह बहुत अच्छा है यानी कि बहुत आकर्षित करने वाला है तो धारणकर्ता को भी यह आकर्षण की शक्ति प्रदान करता है और जो कोई व्यक्ति इसको देखता है उसके हृदय में भी इसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और जब किसी प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है तो हमारे द्वारा कही गई बात किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति के हृदय में सीधा रूप से प्रवेश कर जाती है इसलिए आकर्षण शक्ति का होना अति आवश्यक है तो पहला काम जो है माणक का इस प्रकार का है दूसरा काम माणक का क्या है क्योंकि जिस प्रकार से मेटालर्जी का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है उससे हमारे जो भीतर है आत्मबल की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है आपको जिस प्रकार से नेता होता है जो देश को चला रहा है उस प्रकार से नेता होने के जो गुण उत्पन्न होते हैं वो भी माणक ही प्रदान करता है यानी कि हमने जो कहा पथ प्रदर्शन करना मार्ग दिखाना यह वह काम एक नेता का ही हो सकता है तो माणक आपको ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जाएं देता है जिससे आप अधिक से अधिक लोगों का पथ प्रदर्शन कर सको तो यह इसका दूसरा लाभ है तीसरा लाभ है कि जो लोग मानक धारण करते हैं तो जीवन में चूंकि आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है या आज आज की स्थिति की हम बात करें तो अधिकांश ऐसा ही होता है कि लोगों के हृदय में ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो जो कोई व्यक्ति मानक धारण करेगा उसके प्रति लोगों के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं होगा यह मानक की ताकत है अगला फ़ायदा क्या है इसका क्या लाभ है अगला लाभ इसका है जिन लोगों को पागलपन की पराकाष्ठा रहती है जो बहुत ज़्यादा सन की प्रकार के होते हैं या जो बहुत बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ कर देते हैं एकदम उछाल खाते हैं या बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न करते हैं हालांकि रत्न मणक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है किंतु तो फिर भी यह उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम है जिन लोगों को वेताल देव दोष होता है वेताल दोष का तात्पर्य होता है तंत्र मंत्र वशीकरण भूत प्रेत इत्यादि जो इस प्रकार की जो रोग हैं जो बीमारियां हैं हालांकि ये वेद इनको बीमारी मानता है इस प्रकार के जो भी रोग हैं उन सब से निजात पाने के लिए माणक को धारण किया जाता है यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है यह हमारी यादा क्षमता को बढ़ाता है यह हमारे हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है इस प्रकार से माणक रत्न काम करता है यह इसके लाभ हैं अगला प्रश्न आता है कि कौन कौन पहने कौन कौन ना पहने तो देखिए भाई साहब इसमें सीधी सीधी बात यह है के माणक वो सब लोग पहन सकते हैं जो लोग कर्मठ हों जो लोग किसी प्रकार का नशा ना करते हों जो लोग सदैव अपना काम करने के लिए तत्पर रहते हों जो लोग जन समाज के लिए कुछ करना चाहते हों जो लोग समाज के कल्याण हैं तो हमेशा आगे रहते हों उन लोगों को माणक हमेशा धारण करना ही चाहिए जो लोग बड़े पद पर बैठे हों राजशाही पद पर बैठे हों उन लोगों को माणक अवश्य ही धारण करना चाहिए जो लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के स्वामी हों या छोटी कंपनी के भी यदि आप स्वामी हैं किंतु आप यदि स्वामी हैं और आप डायरेक्शन दे रहे हैं यानी कि लीड कर रहे हैं यानी कि आप मार्ग दिखा रहे हैं तो आपको भी मानक धारण कर लेना चाहिए यदि आपकी गैदरिंग बहुत अच्छी है यानी कि आपको मानने वाले लोग बहुत हैं तो आपको मानक अवश्य ही धारण करना चाहिए ये आपके जीवन में चार चांद लगाएगा इस प्रकार से मानक के लिए फलित ज्योतिष कहता है वेद इसको एक औषधि मानता है यानी कि आयुर्वेद की हम बात करें तो जो जो रोग मैंने आपको बताए जिस प्रकार से मस्तिष्क का रोग यादाश्त का रोग और यहाँ तक कि वाणी का रोग इस प्रकार से माणक उन रोगों पर काम करता है हड्डियों का रोग कमर दर्द इत्यादि इन सब पे माणक काम करता है आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद में इसकी भस्म बनाकर भी खाई जाती है अब अगला प्रश्न आता है कि माणक का शोधन कैसे करें यानी कि इसको किस तरह से चार्ज करें अधिकांश लोग पूछते हैं क्या इसको प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए तो इसका जवाब है नहीं कारण यदि आप किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा किसी भी रत्न में करते हैं मान लो हालांकि कोई प्राण उसमें फुकता नहीं है उसके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं आ जाती कि मानक खुद उठ के चलने लग जाए ऐसा कोई प्राण नहीं आता है किंतु फिर भी मंत्रों के माध्यम से जो जागृति करना बताया गया है जो जागृत किया जाता है तो मानक को प्राण प्रतिष्ठा की जागृति नहीं करनी चाहिए कारण क्या है इसका कारण यह है यदि आप पूरी तरह से इसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शरीर पर धारण करने योग्य नहीं रहेगा उसकी आपको केवल पूजा करनी होगी तो वो सब नहीं करना है मेन चीज़ है कि आपको उसका शोधन करना आना चाहिए शोधन कैसे होगा हम पहले भी कई एपिसोड्स में बता चुके हैं कि शोधन का तात्पर्य होता है किसी न किसी आयुर्वेदिक क्रिया से इसकी क्रिया करी जाए तो हम क्या करेंगे माणक के अंतर्गत एक डोला यंत्र लेंगे जैसे कि हमने लाजवट के एपिसोड में भी आपको करके बताया डोला यंत्र क्या होता है एक मटकी हमने ली उसके ऊपर हमने एक रत्न को टाँका और उसके भीतर जो भी औषधियों का रस डालना है उसको धीमी आँच पर हम लोग गर्म करते हैं और उसका भाप जो लगता है उस रत्न को उससे उसका शोधन होता है तो माणक का शोधन का तरीका है कि हमारे को नींबू का स्वरस नींबू का स्वरस का तात्पर्य तात है कि केवल नींबू का रस ही इसमें लगेगा नींबू का रस आप लेंगे तीन लीटर और तीन घंटे तक आप उसको उबालेंगे धीरे 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 तो जो भी धुआं लगेगा जो भी वाष्प उसमें से निकलेगी वो वाष्प जब माणक को टकराएगी तो उसी से माणक रत्न का शोधन होता है अब सीधा माणक हवा में तो रहेगा नहीं आपको क्या करना है एक सूती कपड़े में अंदर डाल करके उसको एक डंडे पर रख करके लटका देना है और उसकी वाष्प लगानी है तीन घंटे तक इस प्रकार से मानक रत्न का शोधन होता है ये पूरी तरह से अपनी कलाओं में आ जाएगा पूरी तरह से जागृत हो जाएगा पूरी तरह से अपनी जवानी में आ जाएगा इसके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे ऐसा आयुर्वेद कहता है दूसरा जो प्रोसेस आप चाहते हैं कि और इसमें कुछ ऊर्जा फूकी जाए यानी कि वाइब्रेशंस की ऊर्जा फूकी जाए जो शब्द है मंत्रों की ऊर्जा फूकी जाए तो ओम सूर्या नम का आप इसके सामने यथार्थ यथाशक्ति जाप कर सकते हैं इससे जो हमारे जो साउंड वाइब्रेशंस होंगे उनसे भी यह जागृत होता है पश्चात अगला प्रश्न आता है कि इसको कौन सी धातु में पहना जाए देखिए माणक की जो प्रवृत्ति है वह शीत नहीं है वह गर्म है उष्ण है तो जहाँ पर जिसकी प्रवृत्ति उष्ण होती है उसको वैसे ही धातु में धारण करने के लिए विधान कहा गया है अब उष्ण का तात्पर्य आप यह कभी मैं समझेगा कि बहुत गर्म हो जाएगा ऐसा नहीं है इसमें से कोई अग्नि नहीं निकल रही है हाँ किंतु उसकी प्रवृत्ति जैसे भोजन के अंतर्गत कई पदार्थ होते हैं जिसकी प्रवृत्ति उष्ण होती है यानी कि शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाली होती है किसी की शीत यानी कि शीतलता उत्पन्न करने वाली होती है उन गुण गुण धर्म को हम देखें तो माणक में शीत र, शीत प्रधानता नहीं होती है केवल उष्णता होती है यानी कि गर्मी होती है तो माणक को दो धातुओं में धारण किया जा सकता है धातु नंबर एक तांबा क्योंकि तांबा जो है तांबे पर हम हम लोग पूरा एपिसोड बना चुके हैं तांबा कैसे काम करता है क्या उसकी प्रतिक्रिया है उसका बहुत कमाल का रिस्पॉन्स हमको आप लोगों से मिला है तो तांबे में माणक रत्न को धारण करना चाहिए दूसरी धातु आप चाहें तो इसको स्वर्ण में यानी कि सोने में भी धारण कर सकते हैं यह दोनों ही धातुएं माणक रत्न की बहुत बढ़िया मित्र हैं अब अगला प्रश्न आता है कि इसको कौन सी उंगली में धारण करें तो इसको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण किया जाता है ये सीधा हाथ है इसकी अनामिका उंगली में आप इसमें तांबे में भी धारण कर सकते हैं स्वर्ण में भी धारण कर सकते हैं स्त्री और पुरुष दोनों ही के लिए यह स्थान प्रयुक्त है कारगर है और बहुत ही अच्छा इस इस स्थान पर यह काम करता है अब अगला प्रश्न आता है कि कितना बड़ा माणक पहने क्या पाँच रत्ती का पहने छः रत्ती का पहने या ज़्यादा पहने तो देखिए हमारा जो शरीर है एक व्यस्क शरीर इस पर कम से कम न्यूनतम जो साइज़ बताया गया है वह बताया गया है सवा पाँच रत्ती चूँकि एक महंगा रत्न है तो सब लोग बड़े साइज का नहीं पहन सकते इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम सवा पाँच रत्ती पहन लो और ऊपर जो कोई इसको खरीदने की ताकत रखता है लेने की ताकत रखता है वो चाहे तो बड़ा साइज का मानक भी धारण कर सकता है यानी कि जैसे राजा महाराजा तो बहुत बड़े बड़े इतने बड़े बड़े रत्न धारण कर लेते थे तो कारण क्या है इसका इसका कारण है ऊर्जा का स्तर का अति बढ़ना ज़्यादा ऊर्जा को प्राप्त करना तो एक व्यस्क शरीर पर कम से कम सवा पाँच रत्न का मानक धारण करना चाहिए आप अधिक से अधिक करना चाहते हैं आप अपने व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं अपनी नौकरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं या अपना कंपनी चला रहे हैं तो आप 10-12 कैरेट का माणक आसानी से आराम से धारण कीजिए कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी माणक में वो ताकत भी है कि आपके रक्त दोष को समाप्त कर देवे इस प्रकार से माणक काम करता है तो आज जितनी भी चर्चा हुई माणक के विषय में आपको हमने बताइए ये कैसे काम करता है कौन कौन से देश से निकलता है कहाँ से प्राप्त होता है दिखने में कैसा होता है और कौन कौन से इसका घटक हैं कौन कौन सी धातुओं का इसमें मिश्रण है ये सभी सूचनाएं आपको मैं दे चुका हूँ फिर भी आपको लगता है कि कोई सूचना छूट रही है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नाइन डबल एट सेवन नाइन वन सेवन टू डबल फाइव पर संदेश प्रेषित कर सकते हैं देर सवेर समय मिलने पर आपको मैं प्रति इसका अवश्य ही दूँगा तो इस प्रकार से आज का एपिसोड समाप्त हुआ आपको लगता है कि आपने इसमें से कुछ नया सीखा कुछ जाना तो आप हमको सब्सक्राइब अवश्य ही करें और आपको लगता है कि वाकई में हम काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें अपने मिलने वालों को भी ये वीडियो अवश्य ही दिखाएँ आज के लिए आज जा चाहता हूँ शीघ्र ही हम अगला एक और दमदार एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे जय चक्रधारी